धाम को गंदा ना करें। ये देखिए लिखा हुआ है, ओम धाम को गंदा ना करें। पर हम अपने धाम को गंदा करने से नहीं मानेंगे, हम नहीं सुधरेंगे, हमने कसम खा रखी है। नमस्कार साथियों, जय हो गोरखगिरी धाम की, जय जय बुंदेलखंड। मैं इस वक्त संकटा माता जी के दरबार में हूँ। संकटा माता जी जो गोरखगिरी पर्वत के ऊपर विराजमान है और सिद्ध बाबा पर क्षेत्र में है, यही बगल में एक सिद्ध सरोवर है, वहाँ भी आपको हम ले चलते हैं। वहाँ ये दिखाना है कि कल कुछ संभ्रांत लोग आए थे, उन्होंने एक पार्टी यहाँ की, लेकिन उस पार्टी के बाद जो गंदगी यहाँ फैलाई वो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है कि क्या हम सफाई के प्रति संवेदनशील नहीं हो पाएंगे। हमारी भारतीय संस्कृति में लिखा गया है कि स्वच्छता में ही परमात्मा विराजमान होते हैं, स्वच्छता जहाँ स्वच्छता है वहीं ईश्वर है। हम इस बात को नहीं मानते। हम अपने धार्मिक स्थलों, पर्यटन तीर्थों को क्या उसको साफ स्वच्छ नहीं रख सकते। मोदी जी को 8 वर्ष हो गए स्वच्छता के लिए जोर देते देते, लेकिन हम लोग स्वच्छता के प्रति क्यों इतने असंवेदनशील हैं। हम इतना सब करते हैं, लाए मटेरियल बनाया, नीचे से ढोकर लाए और उसके बाद छोड़ दिया, ऐसे ही चले गए, लास्ट में खाया पिया और चल दिए। अगर 10 मिनट और रुक के उसको इकट्ठा करके डस्टबिन में डाल देते तो क्या दिक्कत होती। यहाँ पर डस्टबिन रखवाए गए हैं, लेकिन हम देखते हैं कि लोग उनका बिल्कुल भी इस्तेमाल करना नहीं चाहते। जहाँ खाया वहीं छोड़ दिया, जो भी लिया सब वहीं फेंक दिया। तो ये सेंस कब हम लोग इससे मुक्त होंगे, कब इस गंदगी को लेके जो हमारे मन में एक प्रेम है, अगाध प्रेम, वो कब खत्म होगा। आइए हम दिखाते हैं ये क्या किया गया है, कल कैसे क्या होगा। आइए अब हम चल रहे हैं, वहीं आपको दिखाएंगे कि कल क्या क्या हुआ है और कैसे लोगों ने वहाँ पर गंदगी फैलाई है। और वो ऐसे वैसे लोग नहीं थे कोई कि हम उनको बहुत छोटे लेवल का मान लें। सब बहुत संभ्रांत लोग आते हैं और पढ़े लिखे लोग हैं, फिर भी उन्होंने ऐसा किया। आइए देखिए, हमारा सिद्ध सरोवर क्षेत्र है, सिद्ध सरोवर जिसमें अब पानी कम बचा है, क्योंकि इस सरोवर में पानी का थोड़ा रिसाव हो रहा है किनारे से। और यहीं पे एक पार्टी हुई थी कल, इस मैदान पे यहाँ टेंट लगाया गया था। ये देखिए बिसलरी का गत्ता यहाँ पड़ा हुआ है, इसमें बिसलरी की बोतल आई थी पीने के लिए, ठीक है। और ये देखिए बोतल पड़ी हुई हैं, यहीं फेंक दी गई, इनको समेटा नहीं। एक बोतल देखिए ये पड़ी हुई है, ठीक है। इधर से मैं शुरू कर रहा हूँ, आगे फिर आपको और दिखाता हूँ। अब आइए, हालांकि जब ये पार्टी हो रही थी उसके पहले यहाँ सफाई की गई थी, लेकिन बाद में देखिए ये पड़े हैं, यही कागज ऐसे फेंक दिए अखबार। ये देखिए सब बोतल पड़ी हुई हैं, ये देखिए ग्लास, अखबारों का ढेर लगा है, ये सब यहीं ऐसे फेंक दिया गया है। ये कुछ सब्जी अब्जी बची थी वो फेंक दी गई है ना। और पूरा ये देखिए, ये सब छिलके विलके पड़े हैं, कटोरी पड़ी हुई हैं और कुछ सलाद पड़ा हुआ है। ये घी का डिब्बा लग रहा है, घी भी आया था। और ये नमक का पैकेट ऐसे ही छोड़ दिया गया है, ये सब छिलके विलके ऐसे ही पड़े हैं। ये देखिए मिर्च काटी गई थी जो, वो सब ऐसे ही फेंक दी। सलाद अलाद का आइटम है,
गाजर वाजर ये सब, और सारा देखिए ऐसे ही सब छोड़ दिया गया है। माचिस भी सब, मतलब इसको समेट के यदि हम डिब्बे में डाल देते तो क्या दिक्कत होता। डस्टबिन यहाँ रखे हुए हैं, सब ऐसे ही फेंक दिया गया है। ये देखिए इसमें दाल बनी थी, दाल बनाने के लिए बाकायदा एक मटका लाया गया था, मतलब मटके की दाल कहते बहुत अच्छी होती है। तो देखिए ये अंदर वो दाल बनी थी इसमें, ये भी ऐसे ही सब पड़ा है। ये बोतल, मटर छिली, सब मिर्च भी कुछ बची हुई हैं, पड़ी हुई हैं मिर्च, ये सब कटोरी टोरी, ये टमाटर माटर ये सब ऐसे ही पड़ा है। ये देखिए जहाँ जिसने चाहा वहीं फेंक दिया सब, इसको समेट देते। ये भी देखिए एक डिब्बा पड़ा है कोई, क्या लिखा है इसमें, रस बाहर का है, यानी कुछ मीठा मीठा होगा, है ना। ये देखिए सब, ये यहाँ पर और भी जो कंडे की राख पड़ी हुई है, ये चूल्हा बनाया गया, कई जगह सब तैयारियाँ हुई और सब पड़ा हुआ है, सब फैल रहे हैं, पेपर वेपर सब उड़ रहे हैं। अब इसको हम लोग समेटेंगे। देखिए ये सब फैला हुआ है, और जो खाई हैं वो प्लेटें हैं वो भी सब यहीं फेंक दी गई हैं। अब बताइए इसको क्या कहा जाए। ये देखिए ये सब इधर फेंक दिया है, अगर इसको डस्टबिन में, इधर कौन सा जानवर आके खाएगा। ये देखिए सब यहाँ डाल दिया गया है, सब फेंका गया है, ये सब गंदगी यहाँ इकट्ठी है। ये देखिए कुछ बच गया था लग रहा है, कुछ मटेरियल, ये भी यहाँ फेंक दिया है, शायद जानवर वानवर हो सकता है इसको खा लें, आटा वगैरह लग रहा है। ये भी देखिए सब पड़ा हुआ है। तो ये एक हकीकत है जो दिखा रहे हैं हम आपको कि कैसे हम लोग जो है सफाई करते हैं, और इस सफाई को लेके कितना हम लोग सीरियस हैं, ये सब देखने वाली बातें हैं, है ना। सब कुछ पड़ा है, अब इसको हम लोग समेटेंगे, क्योंकि यहाँ कोई सफाई कर्मचारी तो आता नहीं, यहाँ कोई सफाई कर्मचारी तैनात हो, यहाँ जो भी है वो सब स्वयं सेवा है। अब जो भक्तगण आते हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो इसकी साफ सफाई करें, तो हम लोग करेंगे, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। शायद हमको बाबा ने इसी काम के लिए यहाँ रखा हुआ है, तो हम लोग देखते हैं। बाकी संदेश इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ यही देना है कि आप लोग आइए, यहाँ पर पार्टी अगर मनाना है तो मनाइए, कोई दिक्कत नहीं, हमारी तरफ से कोई रोक नहीं। और ये सिद्ध स्थान है, सिद्ध बाबा का दरबार है, और इसका मान सम्मान रखिए। और 5-10 मिनट और लगते, आप इसको समेट देते तो क्या दिक्कत होती। इधर उधर ये चीज़ें जो पड़ी हुई हैं, कम से कम ये तो ना इस तरह से फेंकी जाती। तो ये जो यहाँ पे एक अच्छा मैसेज इससे नहीं जा रहा है, इससे बहुत ही ख़राब मैसेज जा रहा है, तो समाज के लिए एक बहुत बड़ा संकट है आज की तारीख में ये सब, कि भाई हम सफाई को लेके कितने सीरियस हैं। तो स्वच्छता से ही भारत हमारा जो है आगे बढ़ेगा, स्वच्छता पहले जरूरी है। और भारत को यदि अपने देश को यदि हमें जगतगुरु बनाना है, भारत को महाशक्ति बनाना है, तो हमको इन बेसिक चीजों पर विशेष ध्यान देना होगा, और अपने तीर्थ स्थलों का मान रखना होगा। और अगर हमने ये नहीं किया तो हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे। एक अपने आध्यात्मिक जो उपलब्धियां हमारे पूर्वजों की रही हैं, उन आध्यात्मिक उपलब्धियों को सिर्फ धोने से काम नहीं चलेगा, हमें अपना आचरण भी बदलना चाहिए। बस इतना ही कहना है, ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। जय हो सिद्ध बाबा की।
जय हो गुरु गोरखनाथ की और जय हो वीरभूमि की, जय जय बुंदेलखंड। यहाँ एक चीज और है, देखिए हमने जगह जगह लिखवा भी रखा है कि इधर गंदगी ना फैलाए, हमने ये भी लिखवा रखा है, लेकिन फिर भी लोगों को संकोच होता है सफाई करने में, साफ सुथरा रखने में। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी जो है सो ठीक है।